आर्ट एंड कल्चर का ये हमारा सीरीज चल रहा था नितिन सिंघानिया से और एनसीईआरटी से, जिसमें हम विजुअल आर्ट को कवर कर रहे थे। अभी विजुअल आर्ट में जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, इस कल्चर वाला पोर्शन था, उसको हमने, ये हमारा आज उसका लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद फिर हमारा पेंटिंग बचेगा। इस लेक्चर के बाद हम पेंटिंग को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के ऊपर है। कॉलोनियल आर्किटेक्चर में जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, एक तो क्या मटेरियल यूज़ हुआ था, ठीक है, क्या मटेरियल यूज़ हुआ था, दूसरे फिर जो है कि क्या बनाया गया, प्लेस लोकेशन पूछता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, दूसरे कि किसने बनाया था, इसमें आर्किटेक्ट का नाम भी पूछता है और स्टाइल क्या है और फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या है कि इसमें सब जो पॉइंट्स है एक्सेप्ट द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के बारे में सिर्फ मॉडर्न इंडिया से ही, मॉडर्न इंडिया जो आर्किटेक्चर है वहीं से पूछता है। इसके पहले का जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट का नाम उसमें नहीं पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉलोनियल आर्किटेक्चर के ऊपर। कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है वो जो डिफरेंट फेज में डिवाइड हुआ, जैसे जब पोर्तुगीज आए थे तो पोर्तुगीज स्टाइल इनका इन्फ्लुएंस रहा, जब फ्रेंच आए तो फ्रेंच स्टाइल में, ठीक है, और वहीं जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश स्टाइल में। तो मोस्टली इन्हीं तीनों का जो है अगर देखें आर्किटेक्चर इंडिया में देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप जो है वो ब्रिटिश का है, क्योंकि ब्रिटिश का कई सारे स्टाइल में फॉर्मेशन हुआ, कुछ इंडियन से भी मिले, तो 3-4 स्टाइल ब्रिटिश में पाए जाते हैं ब्रिटिश टाइम में, और पोर्तुगीज और फ्रेंच में बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं मिलते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ कि जब पोर्तुगीज इंडिया में आए, ठीक है, जब इंडिया में आए तो जो ये तटी वाला रीजन है यहाँ पे, तो ये कोचीन वाले रीजन पे यहाँ पे इनिशियली, फिर गोवा को जब उन्होंने कन्वर्ट किया, और फिर द्वीप और दमन के यहाँ पे, ठीक है, तो इस जगह पे उन्होंने पहले अपना एक प्लेस बनाना स्टार्ट किया। जैसे प्लेस मतलब वेयर हाउस, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए आए हुए थे, तो सबसे पहले उन्होंने वेयर हाउस जैसा कुछ बनाया, फिर अपने आप से, क्योंकि उन पे छोटे मोटे अटैक होते रहते थे इंडियंस के द्वारा और कुछ जो जो टर्किस वगैरह थे उनके द्वारा, तो ये इधर साइड में अपने आप फोर्टिफाइड करने लगे, मतलब फोर्ट बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वेयर हाउस से फोर्ट बना, और फोर्ट से फिर इनका अपने जो रिलीजन्स थे उसके भी यहाँ पे चर्च वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से इनका, चाहे वो पोर्तुगीज स्टाइल में हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश में हो, तीनों का ही ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो हम पहले पोर्तुगीज स्टाइल पढ़ते हैं। पोर्तुगीज दे वेयर एडेड टू इंडिया टू क्लाइमेटिकली अप्रोप्रिएट आइबेरियन, मतलब कि ये आइबेरियन स्टाइल जो है इंडिया में बनाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है बैरक चर्च ऑफ द गोवा, ठीक है। इनिशियली ये कहाँ पे आए थे, कोची में आए थे, कोचीन में, फिर इन्होंने जब गोवा को कन्वर्ट किया, गोवा को जीता यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चर्च बनाया, बैरक चर्च ऑफ द गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि किसने बनाया था, पोर्तुगीज ने बनाए थे, तो इनका एक यहाँ पे अलग स्टाइल है, ठीक है। पोर्तुगीज जो मटेरियल यूज़ किए थे वो ब्रिक्स यूज़ किए थे, इवन द वुडन लकड़ी का रूफ वगैरह भी ये बनाया करते थे, ठीक है। और इनका जो स्टाइल था वो गोथिक स्टाइल था। तो गोथिक स्टाइल भी बाद में यूज़ होता है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आने लगते हैं। तो इनका जो स्टाइल था वो गोथिक स्टाइल था, और ये ब्रिक्स यूज़ करते थे, वुडन यूज़ करते थे, और इनका स्टाइल जो था वो आइबेरियन स्टाइल हुआ करता था, ठीक है। तो सेंट फ्रांसिस चर्च जो कोचीन में है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो 1510 में बना हुआ था, इसका इमेज यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो टॉप पोर्शन है, ये गोथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर का बहुत ही कॉमन पोर्शन है, ठीक है। जो अभी जितने भी गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर आप देखोगे, तो इस ये वाला चीज़ जो है टॉप पोर्शन, ये उसमें कॉमन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब फ्रेंच आते हैं, फ्रेंच की कॉलोनी यहाँ पे बसती है, तो फ्रेंच स्टाइल में क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये वाले जो रीजन है, जो वेस्ट वाला रीजन है, जो कोची से लेके, ठीक है, यहाँ पे गोवा से लेके दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, इधर तक तो पोर्तुगीज अपना फैलाते हैं एरिया, लेकिन फ्रेंच जो आते हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे, पौंडीचेरी में, और यहाँ पे बंगाल वाले एक रीजन है, वहाँ पे ही अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या कॉमन फीचर है, इनका ग्रिड प्लान होता है। ग्रिड प्लान मतलब सपोज ये घर है और रोड जाता है, तो ये रोड राइट एंगल पे एक दूसरे को काटता है, और जैसी ग्रिड प्लानिंग देखने को मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, उसी तरह जो है यहाँ पे देखने को मिला था ग्रिड प्लानिंग एंड क्लासिकल पैटर्न आर्किटेक्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो जो चर्च ऑफ द सैक्रेड हर्ट ऑफ जीसस का देखें, तो ये फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, जो फ्रेंच आए थे उनके द्वारा। फिर जो ब्रिटिश
मतलब स्टाइल आता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर आता है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर ही इज द मोस्ट, क्योंकि सबसे टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम तक ब्रिटिशर्स ही थे इंडिया में। पहले वो ट्रेड एज ए ट्रेडिंग पार्टनर थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया और कैप्चर कर लिया पॉलिटिकल पावर, तो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के बाद इन्होंने ही अपने रिलीजन वगैरह को इस्टेब्लिश करने लगे यहाँ पे, और उसके लिए चर्च वगैरह बनाने लगे, फोर्ट्स वगैरह बनाने लगे, ठीक है। और उसके बाद कलकत्ता से जब दिल्ली में शिफ्ट किया अपने कैपिटल को 1911 में, तो वहाँ फिर जो है दिल्ली का प्लानिंग स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन और जिस तरीके से गेट वगैरह है यहाँ पे बनाए गए। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है फीचर्स अगर देखने को मिलेगा तो ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलेगा। तो जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे वो गोथिक है ना, इम्पीरियल, क्रिश्चियन और इंग्लिश रेजिडेंस एंड द विक्टोरियन बिंग द एसेंशियल। तो ये बहुत सारे स्टाइल्स को ये फॉलो करते थे, इनका एक सिंगल नहीं था, ठीक है। और ये यूज़ करते थे रेड सैंड स्टोन, अगर आप राष्ट्रपति भवन देखो तो वो रेड सैंड स्टोन से ही बना हुआ है। तो इनका जो एग्जाम्पल देखे, कलकत्ता में एक चर्च है, चर्च ऑफ द सेंट जॉन, ठीक है, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ है। तो इंस्पायर्ड बाय द सेंट स्टेफन चर्च एट द वॉलब्रुक्स, वॉलब्रुक्स में एक चर्च है, उसके द्वारा इंस्पायर होकर ये चर्च उसी स्टाइल पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बहुत जगह चर्च बनाए गए हैं, तो चर्च को इतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये गेटवे ऑफ द इंडिया मुंबई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया हुआ था, और महाराजा पैलेस एट द मैसूर एंड द एमएस यूनिवर्सिटी एंड द लक्ष्मी विलेज पैलेस एट द बड़ौदा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी तक आर्किटेक्ट वगैरह पे सवाल तो ऐसे नहीं पूछा गया है, लेकिन इस साल चांस है कि मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछा जाए, क्योंकि 2018 में इंडिया के जो आर्किटेक्ट हैं एक, उनको जो आर्किटेक्ट का नोबेल माना जाता है वो पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद न्यू दिल्ली बनती है, न्यू दिल्ली कब बनती है, जब 1911 में कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट किया था न्यू दिल्ली में, उसके बाद। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एग्जाम्पल जो था कि उसका हम इमेज देखें, तो गेटवे ऑफ द इंडिया मुंबई जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ था, और वही तो जो है कि कॉन्स्टेनिया लखनऊ में है, ये इनके ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ था। तो इसमें देखें गेटवे ऑफ द मुंबई जो इंडिया में है, क्या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें जो मुगल आर्किटेक्चर्स के कुछ फीचर्स थे, जैसे ऊपर यहाँ पे छतरी वगैरह देख लो, ठीक है, इस तरीके से इनका जो गेट आर्क शेप में है, यहाँ पे आर्क शेप गेट है जो, तो ये कुछ फीचर्स जो है मुगल आर्किटेक्चर से भी लिया हुआ है, जो गेटवे ऑफ द इंडिया जो मुंबई में बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन बना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन बना मुंबई में, यहाँ पे भी इसी तरीके से मुगल आर्किटेक्चर के कुछ चीज़ें लेके बना हुआ है। इसीलिए मुंबई में मोस्टली जो चीज़ें बनी हुई हैं वो गोथिक स्टाइल में बनी हुई हैं, और इसलिए मुंबई को गोथिक सिटी भी माना जाता है, गोथिक स्टाइल सिटी भी माना जाता है मुंबई को, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर इन द इंडिया। तो ज़्यादातर हमने देखा कि अगर इस मेंस में पूछे कि कॉमन फीचर्स लिखो तीनों चारों का, कंपेयर करके दे, या बस ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो थे, आर्किटेक्ट जो थे, उनका एग्जांपल पूछे और इनको डिस्क्राइब करने को बोले, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जबकि मुंबई में है और गोथिक स्टाइल में बना हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कोलकाता में है, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। तो इसका जो डिज़ाइन किया गया था, तो विलियम इमर्सन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था 19th century में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्किटेक्ट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है कोलकाता में मतलब डिज़ाइन किया हुआ था। और उसके बाद ये जो डिज़ाइन किया हुआ था वो क्वीन विक्टोरिया जो थी इंडिया में आई थी उनके मेमोरी में इस चीज़ को जो है कि डिज़ाइन किया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे, जो स्टाइल बनाई हुई मतलब यूज़ किया गया था, तो इंडिजीनियस भी था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी था, और कंबाइंड विद द गोथिक स्टाइल। तो इन तीनों स्टाइल को जब मिला के एक नया स्ट्रक्चर बनाया, जिसको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है जो बोलते हैं, तो वो नियो क्लासिकल स्टाइल मतलब एक नया ही स्टाइल कुछ बन के आया। यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो खिड़कियाँ वगैरह जो दरवाजे हैं वो तो मतलब कि ली हुई है इंडिजिनस, ठीक है, और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से लिया हुआ है, ये छतरी वगैरह और गोथिक स्टाइल लिया हुआ है, और ये तीनों मिलके एक नया क्लास आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसको नियो क्लासिकल स्टाइल बोलते हैं, जिसको नियो क्लासिकल स्टाइल बोलते हैं।
रिवाइवल ऑफ दिल्ली की हम बात करें तो हमने देखा था कि 1911 तक तो कैपिटल जो था वो कलकत्ता में था, लेकिन फिर 1911 में जो है 1910 तक था, 1911 में कलकत्ता को दिल्ली में शिफ्ट किया गया, ठीक है, 1912 में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था। उसके बाद दिल्ली की प्लानिंग स्टार्ट हुई कि किस तरीके से दिल्ली जो है पूरा प्लान किया जाएगा। तो दिल्ली की स्टाइल को प्लान करने वाले जो थे वो सर एडवर्ड ल्यूटियंस थे, सर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल जो ये डिजाइन किए थे जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और या तो इंडिया गेट हो गया, तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, तो इसलिए इस शहर को भी एडवर्ड ल्यूटियन डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली को प्लान करने वाले कौन थे, एडवर्ड ल्यूटियंस थे। तो जो रिप्रेजेंट करता है सम एलिमेंट्स इसमें जो डिजाइन होती है वो हिंदू ऑर्नामेंटेशन और इस्लामिक सिमेट्री दोनों को यूज़ करके बनाया हुआ है, ठीक है। इवन और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्किटेक्ट है वो हर्बर्ट बेकर साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को बनाते हैं, तो ये भी काफ़ी नेम जो है इस आर्किटेक्ट का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन है जो ल्यूटियन के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया हुआ था, और ये इंडिया गेट है जो कि ल्यूटियन के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ था। सम फेमस आर्किटेक्ट मॉडर्न इंडिया का देखें जिनके बारे में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, उनके कुछ फीचर्स को पूछा जा सकता है। एक तो ल्यूरियस बेकर हो गए, बेकर जो थे ये यूटिलाइज करते थे जो अवेलेबल मटेरियल लोकल मटेरियल था वो, इसलिए माना जाता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलप कुछ जो घर होते थे, घर कैसे बनाए जाते हैं उनके बनाने में काफ़ी मदद किए थे। इवन ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्टोन और पत्थर ये सारे होंगे तभी बनेगा, लोकल जो वुड वगैरह हुआ करते थे, लकड़ी वगैरह जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसको यूज़ करके घर को कैसे डिजाइन करना है, आर्किटेक्ट ये मतलब उस तरीके के आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने ही रिवोल्यूशनलाइज किया था जो मास हाउसिंग है केरला में उसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, पूछा जा सकता है, या तो सिंपल नेम दे देगा और पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, तो ये एक आर्किटेक्ट है। फिर आता है कार्ल हिन, तो कार्ल हिन एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, और ये जो कि जो इनका आर्किटेक्ट हुआ करता था उसमें जो मुगल का आर्किटेक्ट है उनका उसका भी इन्फ्लुएंस होता था। तो इस तरीके से ये जो रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे और इनका बिग कोर्टयार्ड और जो विंडोज़ वगैरह होते थे बहुत बड़े बड़े विंडोज़ वगैरह ये यूज़ करते थे ताकि वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ली कॉर्बूसियर, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट थे और इन्होंने जो है कि जो ग्रिड पैटर्न पे जो है शहर वगैरह को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की कि किस तरीके से रोड वगैरह होने चाहिए, किस तरीके से रोड के किनारे हाउसिंग होनी चाहिए, इसमें इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। फिर ठीक है, फिर चार्ल्स कोरिया आते हैं। चार्ल्स कोरिया जो है गोवन आर्किटेक्ट थे और प्लेड पिवोटल रोल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की शहर की कैसी प्लानिंग करनी है उसमें इन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो प्लानिंग ऑफ द नावी, मुंबई, कंचनजंगा अपार्टमेंट, मुंबई, ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग, न्यू दिल्ली, तो ये सबको डिजाइन करने में चार्ल्स जो कोरिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हम कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं उनके फीचर्स देखते हैं। जैसे इंडो गोथिक स्टाइल हो गया, जब गोथिक स्टाइल इंडियन स्टाइल से जब मिक्स हुआ एक नया स्टाइल निकल के आया तो उसको इंडो गोथिक स्टाइल बोलते हैं और इंडो सार्सनिक स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये था हाइब्रिड ऑफ द मुगल गोथिक एंड हिंदू स्टाइल, तो मुगल गोथिक और हिंदू स्टाइल तीनों स्टाइल का ये मिक्सर था जो इंडो गोथिक स्टाइल था। तो इसके फीचर्स क्या थे, पॉइंटेड आर्क हुआ करता था, वॉल्स बहुत थिन मतलब पतले हुए करते थे, विंडोज बहुत लार्ज हुआ करता था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस कुछ फीचर्स थे मतलब कि जो इंडो गोथिक स्टाइल था उसके फीचर्स की, बड़े बड़े विंडोज, बड़े मतलब पॉइंटेड आर्क, थिनर वॉल, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है, तो एग्जाम्पल देखें इसके तो सेंट पॉल कैथेड्रल एट द कोलकाता एंड विक्टोरिया, लक्ष्मी वाइल्स एंड द गेटवे ऑफ द इंडिया, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब कि एग्जाम्पल्स हैं इंडो गोथिक स्टाइल के। फिर न्यो रोमन आता है, न्यो रोमन में हमने देखा था कि ये एक नया क्लास है, ठीक है, तो इसके बेस पे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को डिजाइन किया गया हुआ। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट को किस स्टाइल पर डेवलप किया हुआ है, तो ये न्यू रोमन स्टाइल पर डेवलप किया हुआ है। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था। विजुअल आर्ट्स में हमने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट विजुअल आर्ट्स में होगा वो पेंटिंग, पेंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द UPSC एंड UPPCS या किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से।